चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में पर्यावरण और वृक्षों को पुनर्जीवन बनाए रखने के लिए गणेश चतुर्थी पर बालाजी ग्रुप द्वारा वृक्ष पुनर्जीवन यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बड़े धूमधाम के साथ बैंड बाजे से निकाली गई। 50 साल पुराने पीपल के वृक्ष को हैदराबाद से आए वृक्ष एक्सपर्ट डेविड के मार्गदर्शन में एक बड़े ट्रॉले पर रखकर अंजलि बालाजी नगर, गणेश गौशाला, दादाजी मंदिर से होते हुए गोल जोशी ग्राम के अशोक जाट के खेत में स्थापित किया गया। वहीं बालाजी ग्रुप संस्थापक रितेश गोयल ने बताया कि वहां अभी तक 25 विशाल काय वृक्षों को पुनर्जीवन दे चुके हैं। झाड़ था जो लगभग 50 वर्ष पुराना झाड़ है और हमने बालाजी ग्रुप ने और पूरे खंडवा ने मिशन ग्रीन ने ठाना है कि हम खंडवा में झाड़ कटने नहीं देंगे। यह झाड़ पुनर्जीवन यात्रा जो है जिसके आप साक्षी बने हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि एक भी पेड़ कटने ना दें और यह झाड़ 1 से 2 साल के अंदर वही पुराना रूप अपना ले लेता है। जो हमने झाड़ शिफ्ट किए हैं वो आज हरे भरे और उतने सुंदरता दे रहे हैं और ऑक्सीजन देते हैं। कोरोना काल में हमने जब देखा कि आदमी ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था, मर रहा था, तो भगवान को भी एक सिस्टम चालू करना चाहिए कि जो झाड़ लगाएगा, जो झाड़ बचाएगा उसका ऑक्सीजन दी जाएगी, उस दिन इसका महत्व समझ में आएगा। ये कहाँ से इसकी टीम आई है, क्या लागत आती है इससे? एक्चुअल में इसकी लागत तो देखिए ऑक्सीजन के सामने कोई लागत का सवाल नहीं उठता, पर आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। इसकी लागत पहले हमने जब इसके पीछे हमारी बालाजी जो कॉलोनी है वहाँ से हमने पहली बार शिफ्ट किया, जब एक झाड़ की लागत 50,000 शिफ्ट में आई थी, बट हमने हमारी खुद की तैयार कर ली है टीम। पहले हैदराबाद से एक्सपर्ट आते थे, अब हमारे जो इंजीनियर है डेविड जी और दो लोगों को और हमने तैयार किया है, तो अब सिर्फ उसको काटने की लागत आती है, इसे छोटा करने की। ये ट्राला जो है वो बब्बू भाई जो है सोमवंशी जी उनकी तरफ से दिया जाता है कि आप डील डलवा दें। ऐसे सभी के सहयोग से बहुत ही मिनिमम लागत में क्रेन से उठवाते हैं, तो क्रेन वाले भी इसमें सहयोग करते हैं और पूरा खंडवा शहर इस झाड़ शिफ्टिंग को सहयोग कर रहा है, तो बहुत मिनिमम सी लागत में जो है अब ये शिफ्ट हो रहा है। झाड़ था जो लगभग 50 वर्ष पुराना